हेलो फ्रेंड्स, ऋत्विक है। एनालिटिका चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस के इस वीडियो में हम डीमार्ट यानी जो एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड इस नाम से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीमार्ट, ये नाम दिमाग में आते ही हमारे माइंडसेट में क्या क्या आता है, जैसे कि डीमार्ट के बड़े स्टोर्स, बड़ा एक्सपांशन, इतना बड़ा कस्टमर बेस, और सबसे ज्यादा हमें प्यारा जो है वो है डिस्काउंट एंड ऑफर्स। तो माइंड में एक सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा कस्टमर बेस कैसे हुआ, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इतने डिस्काउंट्स और ऑफर्स देकर भी इतना प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। डीमार्ट का नाम लेते ही हमारे सामने एक चेहरा आता है और वो है मिस्टर राधाकृष्ण दमानी। स्टॉक मार्केट का एक बड़ा नाम भी है मिस्टर दमानी, और एक फेमस पर्सनैलिटी जिन्हें हम सब जानते हैं वो है मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उनके गुरु मतलब मिस्टर दमानी। ऐसा भी कहा जाता है कि ASL जो एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड है, इसे एस्टेब्लिश करने के पहले मिस्टर दमानी यूएसए में जाकर वॉलमार्ट जैसे बहुत सारे इसी सेगमेंट के कंपनियों को उन्होंने स्टडी किया है, उनका बिजनेस मॉडल स्टडी किया है, और इंडिया में आने के बाद ASL नामक डीमार्ट नामक एक बहुत तगड़ा बिजनेस मॉडल तैयार किया है, जिसे कॉम्पीट करना बड़े बड़े बिजनेस या कंपनियों को भी आसान नहीं है। अब थोड़ा इस कंपनी के बारे में डिटेल में देखते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड जो डीमार्ट के नाम से इंडिया में बिजनेस करता है, वो एक चेन ऑफ हाइपरमार्केट्स है, एंड इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर राधाकृष्ण दमानी इन द ईयर 2002। इनका फर्स्ट ब्रांच ऑफ डीमार्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन पवईज हीरानंदनी गार्डन्स। एज ऑन 21st नवंबर 2019 डीमार्ट के 191 स्टोर्स है अक्रॉस इंडिया, विद द हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई। अकॉर्डिंग टू टेक्नोपैक, ईयर 2016 में डीमार्ट एक लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल फूड एंड ग्रोसरी रिटेलर था इंडिया में, और कंपनी प्लान कर रही है इनका स्टोर नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में। और कंपनी ऑपरेट करती है एक ओनरशिप मॉडल पर, मतलब ये जो लैंड लेते हैं एक तो लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स और ओनरशिप बेसिस पर लेते हैं, क्योंकि रेंटल मॉडल में पर मंथ रेंट का कॉस्ट भी पड़ता है, सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का ये यूज करते हैं थोड़ा सा। कंपनी जब न्यू स्टोर्स ओपन करती है तो ये क्लस्टर अप्रोच यूज करते हैं। अब ये क्लस्टर अप्रोच क्या है, मतलब कंपनी इस अप्रोच में टारगेट करती है डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज को, इसके अंडर वो लोअर मिडिल क्लास, मिडिल और अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशन के बारे में। कंपनी ने और एक साल स्टेडी ग्रोथ का प्रेजेंटेशन किया है। कंपनी ने अपना स्ट्रेटेजी का फोकस एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी पर ही रखा है, जो है EDLC और EDLP, एवरीडे लो कॉस्ट और एवरीडे लो प्राइस, ये प्रिंसिपल पर। एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड के टोटल 5 सब्सिडियरीज है। तो दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डीमार्ट एक बहुत तगड़ा बिजनेस मॉडल है, और स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन भी रेज किए थे, तो इस सब के जवाब आपको आगे इस प्रेजेंटेशन में अब मिलेंगे। तो जैसे इधर मैंने लिखा है, What makes DMart different from other retail chains? तो कुछ points है, इन सब points को हम आगे detail में देखने वाले, सिर्फ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। वो points है जैसे कि DMart का ownership model पर rely करना, cash discount, trade discount, slotting fees, local suppliers पर ज्यादा rely करना। तो दोस्तों first one देखते हैं slotting fees। slotting fees मतलब क्या है? तो DMart और DMart जैसे बहुत सारे companies slotting fees लेते हैं manufacturer से। तो slotting fees का concept क्या है? तो ये जो डीमार्ट जैसे कंपनीज होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से एक फीस लेते हैं, जो कि उनके मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को उनके शॉप में, मतलब डीमार्ट के शॉप में डिस्प्ले करने के लिए होती है। अब ये मैन्युफैक्चरर की मजबूरी क्यों है ये फीस पे करने के लिए? क्योंकि उन्हें पता है डीमार्ट जैसे स्टोर में अगर उनका प्रोडक्ट गया तो उसकी खपत ज़्यादा होगी, ह्यूज कस्टमर बेस है, इसलिए मैन्युफैक्चरर भी मजबूर रहता है अपने प्रोडक्ट को उस डीमार्ट में डिस्प्ले करने के लिए और वो स्लॉटिंग फीस पे करने के लिए। अब इसका डिस्काउंट और प्रॉफिट से क्या रिलेशन है? तो जो डिस्काउंट, मोटा डिस्काउंट मिलता है कस्टमर्स को डीमार्ट से, वो इसी स्लॉटिंग फीस से ट्रांसफर किया जाता है कस्टमर्स को। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लेस स्टाफ एंड डेकोरेशन। तो सुपरमार्केट चलाने का एक और तरीका है कि अपना कॉस्ट कम रखे। कॉस्ट कम रखें मतलब अगर कॉस्ट कम रखेंगे तो परचेस प्राइस जो कस्टमर्स होंगे वो भी कम होंगे। डीमार्ट ने अपना फोकस इसी वे पर ज़्यादा दिया है। डीमार्ट का फोकस यही है कि कॉस्ट कम रखे, परचेस प्राइस कम रखे, तब भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाए रखे, राइट? सो
डीमार्ट ने इसके लिए क्या एफर्ट्स लिए हैं? तो डीमार्ट के स्टोर्स आपको ज्यादा सुंदर नहीं लगेंगे, डेकोरेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, फिर काउंटर्स जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं लगेंगे, स्टाफ कम रहेगा आपको उधर हेल्प करने के लिए, लाइटिंग वगैरह जो होगा वो ज्यादा सुंदर नहीं है, प्रोडक्ट्स जो है वो दूर दूर नहीं अरेंज किए होंगे ताकि कॉस्ट कम लगे। तो डीमार्ट ने अपना फोकस रखा है कि लेस कॉस्ट टू दी कंज्यूमर्स। तो दोस्तों जब हम रीजनल प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ते हैं तो जिधर बिग बाजार या बाकी की कंपनीज जो है वो सिर्फ नेशनल प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं, वही डीमार्ट लोकल प्रोडक्ट्स जो है, लोकल ब्रांड्स जो है महाराष्ट्र के या महाराष्ट्र के कुछ सिटीज के या बाकी के स्टेट्स के कुछ सिटीज में, तो उन ब्रांड्स को भी प्रेफरेंस देता है, मतलब उनके भी प्रोडक्ट्स अपने शॉप में रखते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो जो कस्टमर्स लोकल किराना स्टोर्स में जाते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी ये जो वे है वो बेनिफिशियल है, और इसका एडवांटेज भी डीमार्ट को बहुत मिलता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि स्मॉल क्रेडिट साइकिल जो है वो कैसे बेनिफिशियल है डीमार्ट के लिए। जहां बाकी के जो बिग बाजार जैसे और स्टोर्स है वो क्या करते हैं कि सप्लायर को पेमेंट करने के लिए 1 मंथ, 40 डेज, 50 डेज ऐसे लगाते हैं, वही डीमार्ट वही पेमेंट सप्लायर को 5 डेज, 7 डेज में करता है। तो डीमार्ट को कैश डिस्काउंट मिलता है, जो कैश डिस्काउंट वो कस्टमर्स को ट्रांसफर करके प्रोडक्ट्स डिस्काउंट में बेचते हैं, और इसी का इफेक्ट ट्रेड डिस्काउंट में भी आता है, क्योंकि बड़े कस्टमर बेस के कारण वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स सप्लायर से लाए जाते हैं वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए सप्लायर्स इन्हें वॉल्यूम डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं। तो डीमार्ट फॉलो करता है ओनरशिप या लॉन्ग टर्म लीज मॉडल। तो मोर देन 80% स्टोर्स जो डीमार्ट के हैं वो ओन्ड है, तो रेंटल एक्सपेंसेस उनके कम होते हैं, ये भी कॉस्ट कटिंग में मदद करता है। पर इस कॉन्सेप्ट का डिसएडवांटेज ये है कि जो शॉप ओपनिंग का इनिशियल कॉस्ट होता है, मतलब लैंड में इन्वेस्टमेंट करो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये बहुत होता है, वन टाइम है पर बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है कि मतलब इसी वजह से 2002 में ये बिजनेस कमेंस किया था, उसके बावजूद डाउन द लाइन 10 ईयर्स में ग्रोथ बहुत स्लो है। तो आप देखेंगे कि इनिशियली डीमार्ट की जो ग्रोथ है वो स्लो थी, पर लेटर स्टेज में ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए डीमार्ट ने अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़, तो फिर उसे और वो स्टोर एनुअल प्रॉफिट, एनुअल नेट प्रॉफिट जो है वो 25 लाख का देता है, तो फिर उन्हें नेक्स्ट स्टोर ओपन करने के लिए 4 ईयर्स लगेंगे, तो समझो वो भी ओपन हो गया, अब 2 स्टोर्स है। ये स्टोर जो है वो 50 लाख का प्रॉफिट कमाता है, ये स्टोर 50 लाख का प्रॉफिट कमाता है, तो नेक्स्ट स्टोर ओपन करने के लिए उसे अब सिर्फ 2 साल लगेंगे, राइट? सो ऐसे ही सब्सिक्वेंट स्टोर्स ओपन करने के लिए जो टाइम रहता है वो कम कम होते जाएगा, और इनिशियल स्टेजेस में जो ज्यादा टाइम लगता था वो अब नहीं लगेगा, और लेटर स्टेज में ग्रोथ इंक्रीजिंग रेट से होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ होने के बाद एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर स्पेशली रिकॉर्ड ओपनिंग किया था, और 22 मार्च 2017 मतलब आफ्टर लिस्टिंग उनका जो मार्केट वैल्यूएशन है इट वेंट टू 39,988 करोड़ रुपीज, और एट दैट टाइम ओनली इट वाज स्टैंडिंग एट द 65th मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फर्म अहेड ऑफ ब्रिटानिया, मैरिको, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। एंड देन लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में अगर डिस्कस करना चाहे तो 21 नवंबर 2019 को मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड का वो अब 1,14,000 करोड़ तक पहुंच गया दोस्तों। और बीएससी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उनमें जो कंपनीज लिस्टेड होते हैं अमंगस्ट देम एएसएल का रैंक 33rd रैंक है। पर जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने एक स्लाइड देखी थी कि जो एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड जो है वो एक्सपांशन करती है तब ओनरशिप बेसिस पर करती है, जैसे कि वो लैंड का ओनरशिप लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेयर करते हैं, वो कभी भी रेंटल बेसिस पर ज्यादातर लैंड या बिल्डिंग नहीं लेते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक एग्जांपल दिया था, इनिशियल स्टेजेस में जो रहता है वो एक्सपांशन स्पीड बहुत कम रहता है और सब्सिक्वेंट स्टेजेस में एक्सपांशन स्पीड ज्यादा रहता है, क्योंकि मल्टीपल स्टोर्स रहते हैं और उसमें से हम एक्सपांशन कर सकते हैं। तो उसका एक रियल एग्जाम्पल आप मैं देना चाहूंगा कि आप देख सकते इधर की 2002-03 में सिर्फ 2 स्टोर्स थे, मतलब जब बिजनेस कमेंस किया कंपनी ने, और बाद में 10 इयर्स तक 2012-13 तक आप देख सकते हैं कि सिर्फ 57 स्टोर्स थे, एक्सपांशन स्पीड बहुत कम है।
और अगर आप आगे जाएंगे और देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में कि 2017-18 में अप्रोक्स 155 स्टोर्स तक एक्सपांशन हुआ है, तो और फिर नेक्स्ट है 2018-19 में 176 स्टोर्स तक, इतने कम टाइम में बहुत बड़ा एक्सपांशन आफ्टर 2012-13, तो सब्सिक्वेंट स्टेजेस में ज्यादा एक्सपांशन स्पीड। डिस्कस करते हैं डीमार्ट के की प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में जो क्लासिफाइड है फूड, नॉन फूड मतलब एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल में। तो अब हम देखते हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस इन सब कैटेगरीज के। फर्स्ट देखते हैं हम फूड कैटेगरी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, तो वो 2018-19 में 51.25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था फूड कैटेगरी का, और वो मतलब डिक्रीज हो गया था 51.55% से जो 2017-18 में था। नेक्स्ट है नॉन फूड एफएमसीजी कैटेगरी, उसका 18-19 में 20.46% और 17-18 में 20.03%, मतलब एक इंक्रीज है उसमें। और जनरल मर्चेंडाइज एंड अप्रैल में 18-19 में कंट्रीब्यूशन था 28.29% का और 17-18 का 28.42% का कंट्रीब्यूशन था। कंपनी के जो डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज और कमर्शियल पेपर प्रोग्राम्स जो है उसको रेटिंग दिया है क्रिसिल और केयर जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने, और 25 सितंबर 2018 को क्रिसिल ने लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है कंपनी के उसका जो रेटिंग है वो अपग्रेड किया है फ्रॉम क्रिसिल AA पॉजिटिव टू क्रिसिल AA प्लस स्टेबल तक। फिर क्रिसिल ने 26 अक्टूबर 2018 को जो कंपनी के कमर्शियल पेपर प्रोग्राम है उसका रेटिंग रीअफर्म किया था क्रिसिल A1 प्लस। क्रिसिल A1 प्लस रेटिंग का मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग है कि हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी एंड वर्चुअली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अब नेक्स्ट है सम फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स है वो व्यूअर्स के रीडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं उसमें से। तो रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू जो है वो 2015 से लेकर 2019 तक एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है ग्रोथ में, और 2015 में जो था वो ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो अब 2019 में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और अब नेक्स्ट देख सकते हैं हम प्रॉफिट, प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, 2015 में जो 200 करोड़ था वो 2019 में अबव 800 करोड़ चला गया है दोस्तों। तो फिर ये कैसे हुआ, तो जैसे हमने पहले की स्लाइड में देखा था 2017, 2018 और 2019 इन 3 ईयर्स में एक्सपांशन बहुत ज्यादा हुआ था, तो इसके वजह से ही रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी एक अच्छा ट्रेंड दिखने लगा है। तो नेक्स्ट देखते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसे हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और प्रॉफिट के बारे में पहले देख लिया था, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं EBITDA के बारे में, मतलब क्या है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब ये जो है वो 23% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखा रहा है, फाइनेंशियल ईयर 14-15 में ये 454 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इट मूव डाउन टू 1,642 करोड़। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। तो ये जो होता है वो दिखाता है कि हाउ वेल द कंपनी इज यूजिंग इट्स फिक्स्ड एसेट्स टू जनरेट द सेल्स। तो जैसे हम देख रहे हैं इधर की फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 4.5, देन इट केम डाउन टू 4.3 इन द ईयर 18-19। अब कौन सा फेवरेबल है और कौन सा नहीं है, तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हाई होना ये फेवरेबल है, बट इफ इट गोज टू हाई इसका मतलब ये है कि कंपनी एक तो ओवर कैपेसिटी जा रही है, अगर ओवर कैपेसिटी जा रही है तो उसके सेल्स को इंक्रीजिंग सेल्स को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने एसेट बेस इंक्रीज करना चाहिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है या सेल्स जो है वो कम करे थोड़ा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में ही नेक्स्ट है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। तो फाइनेंशियल ईयर 14-15 में जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो था वो था 14.4, देन 16-17 में सबसे हाईएस्ट था अब तक का 14.9, देन इट फेल डाउन एंड इवेंचुअली ये राइज होते गया 18-19 में जो अब रिकवर हो रहा है मतलब 14.6 तक। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो अगर अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इट शोज अ मेजर लाइक हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्रीज कन्वर्टेड इनटू सेल्स और हाउ मेनी टाइम्स द इन्वेंट्रीज यूज्ड अप इनटू प्रोडक्शन फॉर अ टाइम पीरियड लाइक ईयर। देन वी कैन से दैट इफ वी यूज दिस मेजर लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मेजर इज दैट इफ देयर इज एक्सेसिव इन्वेंट्री इन रिलेशन टू द सेल्स इन कंपैरिजन टू सेल्स देन
बिजनेस कैन रिकॉग्नाइज दिस गैप. नेक्स्ट देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस एरिया पर स्क्वायर फीट. तो ये जो है वो 9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब जो एरिया स्क्वायर फीट जो टोटल है उसके हिसाब से, मतलब सेल्स कितने हैं लाइक रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एरिया स्क्वायर फीट हम कह सकते हैं फॉर्मूला. तो इन द ईयर 14-15 इट वाज 26,388 रुपीस एंड इन 18-19 इट वाज 35,647 रुपीस. सो इसकी वजह से 9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है इसमें. नेक्स्ट हम देखते हैं रिटेल बिजनेस एरिया जो है वो ईयर ऑन ईयर कैसे इंक्रीज होते जा रहा है. तो 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है रिटेल बिजनेस एरिया में. तो लाइक 14-15 में इट वाज 2.7 इन मिलियन स्क्वायर फीट एरिया, 18-19 में 5.9 इन मिलियन स्क्वायर फीट. देन वी विल सी द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स कैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो नंबर ऑफ स्टोर्स जो थे वो 14-15 में इट वाज 89 स्टोर्स एंड इन द ईयर 18-19 इट वेंट ऑन टू 176 स्टोर्स. देन द नेक्स्ट मेजर इज टोटल बिल कट्स, मतलब कितने बिल जनरेट हुए इन द ईयर गिवन. सो इट हैज बीन इंक्रीजिंग लाइक 28% ईयर ऑन ईयर एंड इन 14-15 इट वाज 6.7 करोड़ बिल्स एंड इन 18-19 इट हैज इंक्रीज टू 17.2 क्रोर्स. बढ़ते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ. तो उसमें जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2018 में 15,008.29 था रुपीज इन क्रोर्स एंड 2019 इट वाज 19,916.25. सो इट हैज बीन इंक्रीजिंग लाइक रेवेन्यू हमने देखा वो ग्राफ में की इंक्रीजिंग ट्रेंड है उसमें. देन अदर इनकम लाइक इट वाज 2018 में 72.64 बट इट हैज डिक्रीज्ड इन 2019 टू 51.41 क्रोर्स. देन स्पीकिंग अबाउट द ईपीएस अर्निंग पर शेयर, द बेसिक ईपीएस इज 12.57 इन 2018 एंड इन 2019 इट वाज 15 एंड द डाइल्यूटेड ईपीएस इट इज 12.41 इन 2018 एंड इन 2019 इट इज 14.79. अब फ्रेंड्स जो बैलेंस शीट है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं. तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज जो है वो 2018 में 129.5 करोड़ था, जो अब 2019 में वो इंक्रीज किया गया है 212 करोड़ तक. जो इन्वेस्टमेंट्स है मतलब करंट इन्वेस्टमेंट्स वो 2018 में 51.71 करोड़ थे जो सेल किए गए, इसलिए 2019 में कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 2018 में 33.36 करोड़ थे जो 2019 में 75.52 करोड़ है. वो तो सिर्फ कैश सेल्स करता है तो फिर ट्रेड रिसीवेबल कैसे है. तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताई थी स्लॉटिंग फीस, मतलब जो डीमार्ट है वो मैन्युफैक्चरर से उनका प्रोडक्ट उधर डिस्प्ले करने के लिए भारी मात्रा में स्लॉटिंग फीस चार्ज करता है. तो उसमें से ही कुछ स्लॉटिंग फीस रिसीवेबल होंगे शायद, इसलिए वो फिगर्स दिख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के नाम से. और जो बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो 2018 में 492.41 करोड़ था और वो बहुत बड़ी मात्रा में डिक्रीज हो गया है 2019 में जो 93.32 करोड़ है. अब ये क्यों हुआ, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो थे वो 2018 में 485 करोड़ थे, जो 400 करोड़ एनकैश किए गए और 2019 में सिर्फ 85 करोड़ रह गए. अब ये जो 400 करोड़ एनकैश किए गए वो बोरिंग्स पे ऑफ करने के लिए यूज किए गए होंगे, क्योंकि बोरिंग्स जो आप देख रहे हैं इधर 246 करोड़ थे 2018 में और 2019 में पे ऑफ करने के बाद वो सिर्फ 125.67 करोड़ रह गए हैं. तो इधर फिक्स डिपॉजिट शायद यूज किए गए होंगे. इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज भी इंक्रीज किया गया है, वह यूज किए गए होंगे, ऐसा एजम्पशन हम कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है की फाइनेंशियल रेशियोज. की फाइनेंशियल रेशियोज में इधर हमने जो कंपैरेटिव्स है फाइनेंशियल ईयर 19 और 18 इनके कंपैरेटिव्स दिए हुए हैं, किधर इंक्रीज हुआ है किधर डिक्रीज हुआ है, उसकी रीजंस भी नीचे नोट डाउन की है. तो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स ने इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए पॉज करके, या फिर हम जो स्लाइड शेयर पर ये प्रेजेंटेशन अपलोड करने वाले हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो उधर से ये पढ़िए, क्योंकि मैं अगर ऐसे बताऊंगा तो थोड़ा वो बोरिंग होगा व्यूअर्स के लिए, तो उन्होंने ये डिटेल में पढ़ना चाहिए ऐसे मुझे लगता है. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने इस प्रेजेंटेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप विजिट कर सकते हैं. और जैसे सब कहते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर ना भी लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हम समझेंगे हमें इंप्रूवमेंट के लिए और एक चांस दिया है आपने.